जैसा कि आप देख सकते हो कि आज ये जो हमारे यहाँ पे सोनीपत के लिए एक सौभाग्य का दिन है कि हमारे सबके प्रयासों से आज ये जन शताब्दी जो यहाँ पे ठहराव होने वाला है उसके लिए मैं हमारे सांसद जी, हमारे रेल मंत्री जी और यहाँ के सोनीपत की जो लोग हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि सोनीपत के लोगों में बड़ा भारी फायदा होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और चंडीगढ़ में सबका काम पड़ता है। चंडीगढ़ हमारी राजधानी भी है और सुबह लोग जाएं और शाम में वापस आ जाए अपना काम करके, इससे मुझे कोई राहत नहीं हो सकती। और सोनीपत के लिए एक ये बहुत स्पेशल बात है, मैं माननीय रेल मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। गाड़ी से जाते थे, हमारा 4000 रुपया तेल लगता था। हाँ, मगर अब ये सुबह जाके हम शाम को वापसी अपने घर आ सकते हैं। हमारे लिए एमपी साहब ने बहुत अच्छा किया है कि सोनीपत में इस गाड़ी का ट्रैवल करके अब कम से कम सुबह जाके शाम को घर आ सकता है आदमी। हर्ष का विषय है कि हमारे आज उसका स्टॉपेज आज से शुरू होने जा रहा है। ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री भी और अमित शाह जी भी अपनी मीटिंगों के अंदर ये बात कह गए हैं कि किसी को काम लेना यदि आता है तो वो रमेश कौशिक को काम लेना आता है। जो कि अभी भाई साहब ने कहा है कि हिमालय क्लिन का स्टॉपेज कोविड के बाद से बंद है, उसको भी शुरू कराने का काम भाई रमेश कौशिक जी करेंगे। अभी इन्होंने निवेदन करूंगा भाई निर्मल जी से, आए और अपने विचार रखें। सबके लिए हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात ये है कि हमारे सांसद जी के अथक प्रयास से आज शताब्दी का स्टॉपेज यहाँ बना है। इससे आम यात्रीगण को बहुत फायदा होगा जिसके पास इतना ही कम है, और जैसा कि मेरे से पहले कहा कि जिस काम की करना करते हैं उसी की हाँ भरते हैं, अन्यथा झूठ फूट की कोई वो राजनीति नहीं करते हैं। मैं सोनीपत में उसका जरूर ध्यान रखे क्योंकि पीछे भी एक बार शुरू कराई थी शाम वाले, उसकी भी यही दिक्कत है। रेलवे की भी बहुत सारी कुछ और समस्याएं भी उनको भी दूर करने वायदा पहले नहीं करता, पहले काम बात में ये कर दूंगा, उन्होंने चुनाव वायदा नहीं किया अपने चुनाव के देते हैं जो बढ़िया उसको बोले रेल को फैक्ट्री पिछले जो ट्रेन का स्टॉपेज जहाँ दिया जा रहा है उसको हरी झंडी दिखा के ट्रेन को यहाँ से रवाना करेंगे। मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए यहाँ पे और आपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, थैंक यू सो मच। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1201 नई दिल्ली से कालका वाया अंबाला चंडीगढ़ नई दिल्ली कालका शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। फॉर योर काइंड अटेंशन प्लीज ट्रेन। भारत माता की जय। एक मिनट, हाँ भाई आप इधर आ, इधर आ जाएंगे ना भाई, आप आगे आगे इधर थोड़े इधर होले जी, थोड़े इधर भाई थोड़ा हाथ होले इधर पास से चलने चाहिए जी गाड़ी सुबह भी शाम भी। दैनिक यात्रियों को दिक्कत होती है यहाँ से कम 10,000 पहुँचाते होंगे जी, ज्यादा ही 40,000 50,000।
एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन बन जाएगा। इसी तरह गोहाना स्टेशन को भी छोड़ रहे हैं और जींद को भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ रेलवे का जितना विकास इस सरकार में हुआ इतना कभी नहीं हुआ। साफ सफाई का भी आप सारे स्टेशन देख सकते हो और रेल जो है बिल्कुल समय पर आना ये भी पहली बार इस सरकार में हो रहा। नहीं तो पता नहीं कितने घंटे लेट होते और इनकी ट्रेनों स्पीड हम और भी ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं और लगभग एक दिन में 190 मिनट ट्रेनें इस रेलवे लाइन से आ रही है और गुजर रही है जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और हमारा जो यहाँ रेलवे का अधिकारी है DRM है CM है चेयरमैन है पर वो सब बड़ी लगन और मेहनत से कर रहे हैं। आज रेलवे में और रोडों का जितना काम क्षेत्र में हुआ चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो वो चालू होगी और वंदे भारत के कोचेज भी यहीं पर हमारे यहाँ बनेंगे। ये भी हमारे लिए बड़ा स्वाभाविक बात है।